मेरठ पहुंचे ओवैसी, विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे जनसभा। खबर मेरठ की है, जहां AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी आज मेरठ के किठूर में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे ओवैसी पहुंच गए थे, यहां चुनावी सभा को संबोधित किया गया। वहीं ओवैसी अपनी पार्टी से पार्षद रहे जुबीन अंसारी के परिजनों से मिलने भी पहुंचे, जहां पीड़ित के परिजनों से असुद्दीन ओवैसी मिले और परिवार को हर संभव मदद करने की बात कही। किठोर में हापुड़ तिराहे के पास गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज के सामने सभा का आयोजन हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सभाएं करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने गाजियाबाद जिले से रविवार को की थी। गाजियाबाद की मसूरी में 17 अक्टूबर को चुनावी सभा हुई। इसके बाद आज मेरठ के किठोर में ओवैसी की सभा हो रही है। मुजफ्फरनगर में 27 अक्टूबर और सहारनपुर में 31 अक्टूबर को ओवैसी की जनसभा होगी। ओवैसी ने वेस्ट यूपी में उन स्थानों को सभा के लिए चुना है जहां मुस्लिम वोटों की संख्या अच्छी है। ओवैसी इन सभाओं के जरिए मुसलमानों को साधने की तैयारी में है। पार्टी के महानगर अध्यक्ष नौशाद ने बताया कि इस जनसभा का नाम वंचित शोषित समाज सम्मेलन रखा है। हर दल इस वर्ग का वोट तो चाहता है, लेकिन जब बात इस वर्ग के सम्मान की आती है तो हर नेता हाथ खींच लेता है। कमजोर वर्ग के लोग अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इस लड़ाई में AIMIM उनके साथ है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि किठोर से सभा की शुरुआत है। आने वाले दिनों में ओवैसी एक बार और मेरठ शहर में सभा करेंगे। पार्टी शहर देहात दोनों से अपनी दावेदारी 2022 के चुनाव में पेश करेंगे।